हेलो मेरा नाम हर्ष है और मैं इंदौर में रहता हूँ मेरे नशे की शुरुआत हुई थी जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में था उसके बाद धीरे से मुझे अल्कोहल की आदत लग गई थी तो उसके बाद मैं कभी कभी वीकली में पिया करता था मंथली में पिया करता था उसके बाद मुझे अल्कोहल ने मतलब ऐसी सिचुएशन ले आया कि मैं रोज़ पीता था अल्कोहल ने काफ़ी कुछ बर्बाद किया जैसे कि मेरी कोई इज्जत नहीं बची मैं पॉजिटिव होके भी नेगेटिव में रहता था और मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था घर में मैंने घर में अल्कोहल के लिए खूब चोरी करी मेरी इज्जत तो मतलब पानी में मिल रही थी पूरी एक तरीके से उसके बाद मैं अपनी मम्मी से भी खूब लड़ता था मेरे घर में मेरी वजह से बहुत दिक्कतें आईं मेरे को सुसाइड करने के भी लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ अब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं बची है मेरे को अल्कोहल ने मतलब इतनी तरफ उसने अपनी बहुत तेज़ मुझे खींच लिया था अल्कोहल ने कि मुझे चाहिए ही रहती थी वो चीज़ और फिर उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको छोड़ूँ मुझसे नहीं हुआ मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत समझाया कि बेटा ये गलत चीज़ है इसकी तरफ मत जाओ मैंने नहीं मानी उनके बाद मैंने हर चीज़ मजाक में ली नहीं अभी तो पीने दो उसके बाद फिर धीरे 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 मेरे घर वाले मुझे रोज़ मनाते थे रोज़ समझाते थे मेरी हर गलती माफ़ करते थे पर मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी उसके बाद फिर मेरी मम्मी को किसी ने बताया कि लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र है फिर मेरे से पूछा रहा है आप जाओगे तो मेरी मम्मी बहुत टेंशन में रहती थी तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगा मैं सुधर के आऊँगा वहाँ से फिर मैंने यहाँ आने का डिसीजन खुद लिया मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक दिन जब मैं आया तो मुझे एक दो घंटा बुरा लग रहा लोगों को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा मुझे बहुत प्यार दिया इज्जत दी मुझे सम्मान भी दिया और फिर मुझे अब ऐसा लग रहा मुझे मतलब मेरा परिवार ही इसमें दिखने लगा कि यार ये सब मेरे घर के लोग हैं और मेरी हर एक तकलीफ़ को यहाँ के लोगों ने समझा मुझे हौसला दिया अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नशा छोड़ दूंगा मुझे पंद्रह दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुआ अब मुझे पंद्रह दिन में काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है मेरी बॉडी अब है क्योंकि नशा कर करके मेरा शरीर पूरा ख़त्म हो गया था यहाँ के मेरी खाने की डाइट भी बढ़ रही यहाँ का खाना भी अच्छा रहता है हमें टाइम टू टाइम मेडिसिन भी दी जाती है और सुबह हम लोग फाइव थर्टी ए एम पे उठ जाते हैं उसके बाद हमारा योगा होता है योगा से भी हमें काफ़ी कुछ हमारे शरीर में इफ़ेक्ट आया है उसके बाद हमें रात में दस बजे हमारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और बाकी मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं पर यहाँ के जो स्टाफ ने मुझे जो हौसला दिया उससे आज मैं वापस जड़ रहा हूँ इसलिए अब मैं आज नशे को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दो गज़ दूरी नशा है नशे से जरूरी थैंक यू